नमस्कार दोस्तों, जीवन की मुश्किलें नहीं हो रही समाप्त तो करे लाल किताब के ये अचूक उपाय। दोस्तों, अक्सर लोग बहुत मेहनत के बाद भी मनचाहा फल नहीं पाते और कई बार निराश हो जाते हैं। ऐसे में लाल किताब आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको जीवन से जुड़ी हर परेशानी का हल मिलेगा। इसमें दिए गए उपाय आपके जीवन में आ रही हर परेशानी से छुटकारा दिलाएंगे। अगर आपका भाग्य बार बार आपको धोखा दे रहा है, जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि की कमी रहती है, तो देर किस बात की। चलिए आप भी जाने इन अचूक उपायों के बारे में। नंबर एक, ऐसा माना जाता है कि खाना बनाते समय हमेशा पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। ऐसा करने से आपका भाग्य साथ देने लगेगा, इसलिए रोजाना कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं, और अगर काले कुत्ते को खिलाएंगे तो और भी अच्छा होगा। नंबर दो, पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले माँ लक्ष्मी का वास पीपल पर होता है। इस समय पीपल की पूजा करने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। नंबर तीन, सोते समय सदैव सिर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर सिर करके न सोएं। नंबर चार, घर का वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर को काफ़ी शक्तिशाली माना गया है। अगर सीढ़ियाँ, टॉयलेट या दरवाजे कहीं भी वास्तु दोष हो या वे गलत दिशा में निर्मित हो, तो वहाँ पर एक एक कपूर की टिकिया रख देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे और धन से जुड़ी समस्या भी दूर होगी। नंबर पाँच, अपने घर पर या कहीं बाहर चींटी, पक्षी, गायें, कुत्ते आदि प्राणियों के लिए अंजल की व्यवस्था अवश्य करें। नंबर छः, कई बार व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और पैसा कमाता है, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में नहीं रुकता, तो चांदी की एक ढक्कन वाली डिब्बी लेकर आएं। उस डिब्बी में थोड़ा सा पानी भरकर अपनी तिजोरी में रख दें और जब वह पानी सूख जाए तो फिर से पानी भर दें। नंबर सात, अगर बहुत मेहनत के बाद भी आपको बार बार असफलता हासिल हो रही है तो परेशान न हों, बल्कि प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नंबर आठ, यदि आप किसी कार्य के पीछे पूरी शिद्दत से लगे हैं और उसके पूरा होने में कोई अड़चन आ रही है, तो इसके लिए आपको अपने कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपको बहुत जरूरी काम के लिए बाहर जाना है तो पहले चार कदम पीछे लें, फिर आगे बढ़कर अपने कार्य की शुरुआत करें। ऐसा करने से आपको अवश्य ही कार्य में सफलता मिलेगी। नंबर नौ, लाल किताब के अनुसार पर्स में चांदी का सिक्का रखना शुभ माना जाता है, इससे धन की कमी दूर होती है। नंबर दस, जो मनुष्य कोर्ट कचहरी के मामले से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे लाल किताब के अनुसार अपने वजन के बराबर का कोई भी अनाज शिव मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा करने से कोर्ट कचहरी के मुकदमे से मुक्ति मिलती है। नंबर 11, जब भी किसी को कुछ दान करें तो घर के मेन गेट के अंदर खड़े होकर करें, इससे दान का पूर्ण लाभ मिलता है। नंबर 12, अगर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और बड़ी लड़ाई में बदल जाते हैं तो घर पर सफाई के समय सेंधा नमक का पोचा लगाना शुरू करें। नंबर 13, हमेशा चांदी या तांबे के गिलास में ही पानी पीना चाहिए। नंबर 14, लाल किताब के अनुसार बुधवार के दिन घर की पूर्व दिशा में मुंह करके गणेश जी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। नंबर 15, घर में तुलसी का पौधा लगाकर वहां पर संध्या के समय रोजाना घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी उस घर से कभी भी नहीं जाती है। नंबर 16, जो छात्र चाहते हैं कि उन्हें हर परीक्षा में सफलता प्राप्त हो, तो उन्हें थोड़ी मात्रा में हल्दी में केसर मिलाकर रोज स्नान करने के बाद तिलक करना चाहिए। ऐसा करने से हर परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 17, शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में भरकर उसे घर की तिजोरी में रख देने से धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। नंबर 18, अगर आपका कोई काम काफ़ी दिनों से रुका हुआ है और आप चाहते हैं कि वह काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए, तो लाल किताब के अनुसार पीले वस्त्र मंदिर के पुजारी को दान में देने से
काम में आ रही हर बाधाएं दूर होती हैं। नंबर 19, अगर आप घर में जोत जलाते हैं तो जोत में रुई की जगह मौली का इस्तेमाल करें, इससे आपकी पूजा का तुरंत फल मिलता है। नंबर 20, सुबह की पूजा के बाद भगवान की आरती करते समय दीपक में 2 लौंग डाल दें, इसके बाद जैसे जैसे लौंग जलती रहेगी आपकी बाधाएं दूर होती जाएंगी। नंबर 21, अगर घर में छोटा बच्चा है, उसे नींद नहीं आती हो और रोता रहता हो तो फिटकरी का एक टुकड़ा काले कपड़े में बांधकर उसके गले में पहनाने से बच्चा सो जाता है। नंबर 22, लाल किताब के अनुसार हफ्ते के किसी भी दिन श्री यंत्र को एक साफ सुथरे लाल कपड़े में लपेट कर रखें और पंचामृत से स्नान कराएं, इसके बाद उसे घर के मंदिर में स्थापित कर दें और रोजाना उसकी पूजा अर्चना करें। ऐसा माना जाता है कि यह करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। नंबर 23, अगर आप बार बार किसी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं या बुरी नज़र का साया आप पर है तो विधि विधान से 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, इससे तुरंत राहत मिलेगी। नंबर 24, अगर आपको लंबे समय से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में मंगलवार और शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें लाल चोला चढ़ाएं। इसके बाद बरगद के पेड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर उसे हनुमान जी के पास रख दें। ऐसी मान्यता है कि इस कार्य को करने से सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और कैरियर में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 25, एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा 43 दिनों तक करें, धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। तो दोस्तों, यह थे कुछ लाल किताब के बेहतरीन उपाय। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।